आदमी मोहसिन है, सरकार गरीब नवाज बगदाद पहुंचे, बगदाद में थे। गौसे आजम ने ऐलान फरमाया, ईशा की नमाज पढ़ के ऐलान कर दिया कि जो सुबह की नमाज फज्र की मेरे पीछे पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। अरे बुलंद आवाज से बोलो। इतने कही के नहीं रुक गए, जो मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा जन्नत में जाएगा, और जो इस ऐलान को दूसरे तक पहुंचाएगा वो जहन्नम में जाएगा। जो इस ऐलान को दूसरे तक पहुंचाएगा, तो तमाम तो सहम गए जो मस्जिद में थे, वो डर गए कि अपनी लाइन तो क्लियर है, अब कोई जाने या न जाने क्या मतलब। मगर गरीब नवाज आए आए हाय सुभान अल्लाह, हमारे तुम्हारे मोहसिन सब्र ना हुआ, समझ गए कि गौसे आजम कहना क्या चाहते हैं। उठे, कुंडी हिलाया, ए भाई का क्या है? का सुबह फजर जरूर पढ़ना। गौसे आजम ने फरमाया जो मेरी पीछे नमाज पढ़ेगा फजर की जन्नत में जाएगा। दूसरे घर पहुंचे, ए भाई सुबह फजर जरूर पढ़ना। का क्या बात है? का गौसे आजम ने ऐसा कहा है। पूरी रात भर में पूरे बगदाद में ऐलान कर डाला, फजर की अजान से पहले पूरी जामा मस्जिद फुल, पैर रखने की जगह नहीं। गौसे आजम समझ गए कि इस ऐलान को जरूर किसी ने किया है। नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा करके फारिग हुए, असलाम फेरा गौसे आजम ने, उठ के खड़े हो गए। कहा बगैर ऐलान के इतना मजमा नहीं हुआ, जरूर किसी ने ऐलान किया है, लेकिन मेरा दूसरा ऐलान नहीं मालूम था कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था जो मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो इस ऐलान को दूसरे तक पहुंचाएगा वो जहन्नम में जाएगा। आखिर कौन है जिसने ऐलान किया है? गरीब नवाज उठ के खड़े हो गए, मोहसिन हिंदुस्तान उठ के खड़े हो गए। कहा सरकार अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम, इस ऐलान को दूसरे तक पहुंचाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती है। मैंने सोचा कि जहन्नम में तन्हा मैं जाऊंगा ये गवारा है, मगर सारे लोग मेरे सदके में जन्नत में तो चले जाएंगे। और हुजूर आपने ये भी तो कहा था ना कि जो आपके पीछे नमाज पढ़ लेगा वो जन्नत में जाएगा, तो ऐलान तो पहले कर चुका हूँ, नमाज बाद में पढ़ चुका हूँ, इसलिए जहन्नम कैसे जाऊंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें रजा का बेटी।